बेटा पार्ट वन में हम लोग यहाँ तक कम्प्लीट कर चुके हैं पार्ट टू हम स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट सेटेंस ऑफ फॉरेस्ट से चलो तो अगर हम बात करें कि हमारे इंडिया में वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन रहती है तो वो है सेवेंटीन परसेंट ठीक है बेटा हम मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हैं आज वर्ल्ड की दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसके पास है भारत के पास ही है तो हम टोटल कितनी पॉपुलेशन लेके बैठे हैं वर्ल्ड की सेवेंटीन परसेंट और इस सेवेंटीन परसेंट पॉपुलेशन के ऊपर हमारे पास फॉरेस्ट कवर कितना है सिर्फ टू परसेंट ठीक है पूरी दुनिया के फॉरेस्ट कवर का सिर्फ दो परसेंट फॉरेस्ट हमारे पास है पर पॉपुलेशन कितनी है सेवेंटीन परसेंट तो ये एक बहुत बड़ा मिसमैच है कि भाई पॉपुलेशन तो आप कितनी लेके बैठे हैं सेवेंटीन परसेंट पर फॉरेस्ट कवर सिर्फ कितना है टू परसेंट तो हमें हमारे फ़ॉरेस्ट कवर को बढ़ाने की ज़रूरत है अगर हम नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो डिज़ायर्ड एरिया है कि भैया इतना एरिया तो फॉरेस्ट कवर होना ही चाहिए वो कितना है थर्टी थ्री परसेंट ठीक है बात नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के हिसाब से हर कंट्री का जो भी एरिया है उसका थर्टी एरिया फॉरेस्ट कवर होना चाहिए भले ही आपका एरिया कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो कितना ही कम क्यों ना हो जो भी एरिया है उसका थर्टी थ्री परसेंट कायम है होना चाहिए फॉरेस्ट कवर के अंदर होना चाहिए इंडिया इसमें बहुत पीछे है सिर्फ हमारे इंडिया का ट्वेंटी फोर पॉइंट वन सिक्स परसेंट ही किससे कवर है फॉरेस्ट से हमारे इंडिया का जितना भी टोटल लैंड एरिया है उसका सिर्फ ट्वेंटी फोर पॉइंट वन सिक्स परसेंट ही किससे कवर है फॉरेस्ट से तो हमें इस फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना है जो फॉरेस्ट रिसोर्स है हमारी कंट्री में वो एडिकेट मतलब पर्याप्त नहीं है ठीक है मतलब इन एडिकेट है बात समझ में एडिकेट का मतलब होता है ये जो वर्ड एडिकेट इसका मतलब होता है पर्याप्त तो पर्याप्त नहीं है है ना इन एडिकेट है हमारे पास और दूसरी बात कि भाई इन एडिकेट तो हैं ही हैं अन ईवनली डिस्ट्रीब्यूटेड भी हैं तो जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है हमारी कंट्री में वो सिर्फ अपर्याप्त मतलब इन एडिकेट ही नहीं है अन ईवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ही अन ईवनली डिस्ट्रीब्यूटेड भी हैं जो टोटल फॉरेस्ट है उसका जो सेवेंटी परसेंट है वो वैल्यूएबल ट्रीज ठीक है आउट ऑफ टोटल फॉरेस्ट ओनली अबाउट सेवेंटी परसेंट है वैल्यूएबल ट्रीज सिर्फ सत्तर प्रतिशत ही वैल्यूएबल ट्रीज हैं मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट आर डेसीडियस एंड कॉनीफॉरेस्ट और जो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट है वो या तो डेसीडियस है या कोनी फॉरेस्ट है फिर से ध्यान से समझो कि हमारे इंडिया में जो भी फॉरेस्ट कवर है बेटा वो एक पहली बात तो इनडिकेट है पर्याप्त तो नहीं है दूसरा कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है जो टोटल फॉरेस्ट एरिया उसका है उसका सिर्फ सेवेंटी परसेंट ही यूजफुल है मोस्ट ऑफ द जो फॉरेस्ट है वो या तो डेसीडियस है या कोनी फॉरेस्ट है कोनी हमें फॉरेस्ट से वैरायटी में प्रोडक्ट्स मिलते हैं जैसे वुड या तो आप टिम्बर की तरह यूज़ कर सकते हैं उसे या फायर वुड जला लो या टिम्बर बना लो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है दूसरे जो प्रोडक्ट हैं उनमें आएगा लाक मतलब जैसे चूड़ियाँ वगैरह बनाई जाती है रेसिन गम सेलुलोज फॉर्डर तेंदू लीव्स मेडिसिनल हर्ब्स तो हमें फ़ॉरेस्ट से वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मिलती है पहली सबसे बड़ी चीज़ तो वुड मिलती है वो से आप टिम्बर बना लो या फायरवुड बना लो मतलब आग के लिए उसको जलाने के लिए यूज कर लो इसके अलावा हमें लाक रेजिन गम गोसौर मतलब चारा तेंदू लीव्स मतलब जैसे बीड़ी बनती है ना बीड़ी आप लोगों को पता होगा जैसे सिगरेट होता है उसकी छोटी बहन होती है बीड़ी तो बीड़ी बनती है तेंदू पत्ते से फॉरेस्ट का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इकोनमी में हमारी अर्थव्यवस्था में भी जंगलों का फॉरेस्ट का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है पहली बात ये वाटर साइकिल को मेनटेन करते हैं रेगुलेट करते हैं ठीक है दे मेंटेन वाटर साइकिल और किसको रेगुलेट करते हैं फ्लो ऑफ वाटर इन स्ट्रीम हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये वाटर साइकिल को रेगुलेट करते हैं या मेंटेन करते हैं ठीक है तो वाटर साइकिल को मेंटेन करेंगे रेगुलेट करेंगे साथ ही साथ ये किसको भी रेगुलेट करते हैं फ्लो ऑफ वाटर इन स्ट्रीम्स स्ट्रीम में जितना पानी बह रहा है उसको भी ये कंट्रोल करते हैं दे मीट नियरली फोर्टी परसेंट ऑफ टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट जितनी भी है हमारे देश में जितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसका चालीस प्रतिशत अकेले कहाँ से आता है फॉरेस्ट से दे प्रोवाइड अबाउट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ फॉर्डर फॉर्डर का मतलब होता है चारा जो हम हमारे कैटल्स uh, को गाय बैल बकरी भैंस को जो खिलाते हैं ना खाना उसे क्या बोलते हैं चारा हरी वाली घास तो फॉर्डर ट्वेंटी फाइव परसेंट हमें फॉरेस्ट से ही मिलता है बेटा जो कैटल्स हैं उन्हें हम क्या भी कहते हैं लाइव स्टॉक क्यों कहते हैं बेटा उन्हें लाइव स्टॉक क्योंकि ये हमें अर्निंग करने में हेल्प करते हैं ना अगर आपके पास काऊ है तो आप उसके मिल्क को सील करके अर्निंग कर सकते हो गोट है शिप है तो इनके भी मल्टीपल यूसेज हैं तो लाइव स्टॉक मतलब एसेट की तरह है तो हमारे लाइफ स्टॉक को जितना भी फॉर्डर चारा चाहिए उसका ट्वेंटी फाइव परसेंट कहाँ से आता है फॉरेस्ट से आता है अब बात करें हम फॉरेस्ट का तो फ़ॉरेस्ट का एक इम्पॉर्टेंट रोल है बच्चा रूलर गांव वाले एरिया में और ट्राइबल इकोनमी में ठीक है वन थर्ड जो ट्राइबल्स हैं हमारी कंट्री के वो अपनी लाइवलीहुड डायरेक्टली किससे अर्न कर रहे हैं फॉरेस्ट से ठीक है तो हमारे जो ट्राइबल कम्युनिटी है जैसे हम शेड्यूल ट्राइब कहते हैं वो अपनी अर्निंग सीधे कहाँ से अर्न करती है बच्चा उनकी लाइवलीहुड किस पर डिपेंड करती है फ़ॉरेस्ट पे तो फ़ॉरेस्ट उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है फॉरेस्ट ऑल्सो परफॉर्म सर्ट इन अदर इम्पोर्टेंट फंक्शन कुछ अदर इम्पोर्टेंट फंक्शन भी है जैसे कि वो रेगुलेट करते हैं एयर करेंट्स को फ्लड को मॉडरेट कर देते हैं सॉइल इरोजन को रोक देते हैं सॉइल uh, को मॉइस्चर करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं अब हम बात करेंगे फोना की ठीक है बात फोना बोले तो एनिमल लाइफ की जो इंडियन फॉरेस्ट हैं ओ वो घर है बच्चा हाउस है जो इंडियन फॉरेस्ट है वो घर है वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स के लगभग एटी थाउजेंड से ज़्यादा स्पीशीज़ एनिमल्स की इंडिया में मिलती है इंडिया में ट्वेल्व हंड्रेड से ज़्यादा स्पीशीज़ बर्ड्स की मिलती हैं ठीक है ठीके? और रेप्टाइल्स की भी मिलती हैं तो so, एटी थाउजेंड स्पीशीज़ मिलती हैं एनिमल्स की ट्वेल्व हंड्रेड स्पीशीज़ मिलती हैं बर्ड की और बहुत सारे रेप्टाइल्स मिलते हैं रेप्टाइल्स मतलब जो रेंग के चलते हैं ना ऐसे चारों पैर से घिस 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 वो रेप्टाइल्स बर्ड्स मतलब चिड़िया और एनिमल्स तो आपको पता ही ही है है जानवर जो एलिफेंट वो बहुत ही और लार्जेस्ट मैमल है मैमल किसको कहते हैं पता है ना जो अपने यंग वन को बर्थ देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं मैमल तो एलिफेंट लार्जेस्ट मैमल है जो हमारी कंट्री में अवेलेबल है ये असम वेस्ट बंगाल मध्य प्रदेश कर्नाटका तमिलनाडु और केरला में मिलता है तो लार्जेस्ट मैमल है एनिमल ये हमारे कंट्री के असम वेस्ट बंगाल मध्य प्रदेश कर्नाटक तमिलनाडु और केरला में मिलता है हमारे पास वन हॉन ड्राइनासोरस भी है पर यह एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है एंडेंजर्ड मतलब इनको कंजर्व करने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं तो ये आने वाले टाइम में खत्म हो जाएंगे ये सिर्फ अभी हमें एक बहुत ही बड़े बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड लोकेशन में मिलते हैं वो लोकेशन कहाँ पर है असम और वेस्ट बंगाल इट इज़ नाउ कन्फाइंड टू रिस्ट्रिक्टेड लोकेशन बहुत ही छोटे एरिया में ये मिल रहे हैं छोटा बोलना जी एक कन्फाइंड एरिया में है वो एरिया है असम और बेंगोल मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हर कहीं वन हंड्रोयना सुरस मिल जाएंगे वन हंड्रोयना सुरस मिलेंगे सिर्फ असम और वेस्ट बंगाल में इन्हें प्रोटेक्ट करके रखा गया है कांची और मानस नेशनल पार्क में ठीक है भई हमारे जो वन हॉर्न डायनासोरस है इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं इसलिए इन्हें संरक्षित करके बचा के रखने की जरूरत थी क्योंकि ये बहुत ही कम एरिया में मिलते हैं कम बोले तो मतलब बहुत ही लिमिटेड एरिया में मिल रहे हैं सिर्फ असम और वेस्ट बंगाल में मिल रहे हैं और इन्हें कांजीरंगा मानस नेशनल पार्क में इन्हें हमने बेचारों को प्रोटेक्ट करके रखा है जल्द पारा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां पर भी हमें थोड़े बहुत वन हॉर्न डायनासोरस देखने को मिलते हैं ये हैं डियर चलो फिर ये है रेड पांडा नीलगिरी ये है क्लाउडेड लेपर्ड बेटा मैप वर्क में मैम ये जरूर पूछेगी नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो 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 आपको मैम जितनी भी बोर्ड सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क बताती हैं वो पढ़ लेना है ठीक है तो इतनी सारी पर मैम इसमें से ट्वेंटी अप्रोक्सीमेटली आपको निकाल के देगी उतना तो पढ़ लेना है आपको चलो इंडिया अकेली ऐसी कंट्री है बेटा पर लायन भी मिलेगा और टाइगर भी मिलेंगे और टाइगर्स सिर्फ एक ही कंट्री है जहां पर इकट्ठे मिलते हैं मतलब दोनों मिल जाते हैं वो कौन सी कंट्री है इंडिया जो नेचुरल हैबिटेट है लॉयन का वो है गिर फॉरेस्ट गुजरात जो नेचुरल हैबिटेट है इंडियन लॉयन का वो है गिर फॉरेस्ट गुजरात अमिताभ बच्चन का एड देखा होगा ना आप लोगों ने कभी तो आइए है।, है ना गुजरात टूरिज्म का जो एड है टाइगर सर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश जैसे गुजरात में मिलते हैं हमें लॉयन वैसे ही टाइगर मिलते हैं हमें मध्य प्रदेश में वेस्ट बंगाल में और हिमालयन रीजन में मध्य प्रदेश वेस्ट बंगाल हिमालयन रीजन में मिलेंगे हमें टाइगर लॉयन कहा मिलेंगे फॉरेस्ट गुजरात अगर आज की हम बात करें प्रेजेंट डे की तो अभी हमारे पास फिफ्टी टाइगर रिजर्व्स हैं हमारी कंट्री में अवेलेबल और हो सकता है इनका नंबर बढ़ भी गया हो ठीक है एक बार गूगल पे जरूर सर्च कर लेना जो फास्ट रिड्यूसिंग फॉरेस्ट कवर है वो एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है वाइल्ड लाइफ को अभी से बात है बेटा हमारी तरह रोटी बनाना सब्जी बनाना पास्ता बनाना मैगी बनाना बेचारे जानवरों को नहीं आता तो इनकी तो पूरी लाइफ फॉरेस्ट पे डिपेंड करती है फॉरेस्ट कवर खत्म हो जाएगा तो 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 वाइल्ड लाइफ अब इसी बातें खत्म होगी फॉरेस्ट कवर जितना कम होगा उतनी हमारी वाइल्ड लाइफ सफ़र करेगी एडवर्सली जो नंबर है एनिमल स्पीशीज़ का वो ड्रेस्टिकली कम होता जा रहा है और कुछ तो एंड इंजर्ड ही हो गए हैं जो डिक्लाइन है वो रैकलेस किलिंग की वजह से हो रहा है हम ह्यूमंस अपने पर्सनल एन्जॉयमेंट के लिए अपने पर्सनल गेम्स के लिए जानवरों को मारने से भी पीछे नहीं हटते दिस इज़ अ सीरियस थ्रेट ये बहुत सीरियस थ्रेट है और इसके लिए हमें कुछ अर्जेंट मेजर्स लेने की ज़रूरत है जिससे हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर पाए एनिमल्स और बर्ड्स हमारे नेचुरल हेरीटेज हैं बिठा एनिमल बर्ड्स हमारे नेशनल हेरीटेज हैं हमें इन्हें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है जो नंबर है नेशनल पार्क्स का वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का बर्ड सेंचुरीज़ का ये इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में हम बढ़ाते जा रहे हैं कोशिश कर रहे हैं कि हम जितने एनिमल्स को जितनी प्लांट लाइफ को सेव कर पाएँ उतना सेव करें नेशनल पार्क क्या होता है नेशनल पार्क एक रिज़र्व एरिया होता है जो सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए ही नहीं बनाया गया है उसमें नेचुरल वेजिटेशन को भी प्रोटेक्ट किया जाता है नेचुरल ब्यूटी जो जगह की है उसे भी प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है तो यहाँ से मैम पूछ सकती है टू मार्क में व्हाट इज़ नेशनल पार्क तो क्या बोलोगे नेशनल पार्क वो रिज़र्व एरिया है जिसे सिर्फ हमने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए ही नहीं बनाया है पर वहाँ पर हम नेचुरल वेजिटेशन को भी नेचुरल ब्यूटी जो उस पर्टिकुलर रीज़न की है उसको भी प्रिजर्व करके कंजर्व करके रखेंगे तो क्या समझ में आ गया अ नेशनल पार्क इज़ अ रिजर्व एरिया मीन मीन फॉर प्रिजर्विंग नॉट ओनली वाइल्ड लाइफ से जंगली जानवरों को ही नहीं यहाँ पर हम प्रोटेक्ट करेंगे हम यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन को उस पर्टिकुलर एरिया की नेचुरल ब्यूटी को भी प्रोटेक्ट करेंगे तो ये तो हो गया आपका वन क्वेश्चन रेडी सेकेंड है अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है बच्चा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो रिज़र्व एरिया होता है जो स्पेसिफिकली हम बनाते हैं एंडिंग जो स्पेशज के प्रिजर्वेशन और डेवलपमेंट के लिए तो नेशनल पार्क एक नेचुरल सराउंडिंग को सेव करेगा नेचुरल वेजिटेशन को सेव करेगा जानवरों को भी सेव करेगा पर अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये और ज़्यादा फोकस्ड होते हैं ये वो रिज़र्व एरिया होता है जो हम एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के प्रजर्वेशन और डेवलपमेंट के लिए बनाते हैं बेटा हमारी इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कंजर्व करने के लिए बायोस्पियर रिज़र्व भी बनाए गए हैं ये मल्टीपर्पज़ प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं जहाँ पर प्लांट को एनिमल लाइफ को कंजर्व किया जाता है उनकी नेचुरल हैबिटेट में ठीक है और अच्छा दूसरी बात बुक आपकी मेंशन नहीं कर रही है पर यहाँ पर एक बात और देखने की है वो ये है जरा ध्यान रखना कि बायोस्फीयर रिजर्व में जरा ध्यान से सुनना बुक आपकी मेंशन नहीं कर रही है पर ये बात और ध्यान रखो कि बायोस्पेयर रिजर्व में बेटा प्लांट और एनिमल के लिए तो हम सोचते ही हैं साथ ही साथ हम ट्राइबल कम्युनिटी के लिए भी सोचते हैं कि भाई उस पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई ट्राइबल कम्युनिटी रहती होगी उसके कल्चर को उसको प्रोटेक्शन देना भी बायोस्पेयर रिजर्व का पार्ट होता है ठीक कोई बात तो बायोरस्पेयर और नेचुरल नेशनल पार्क में अभी एक डिफरेंस ये लिख सकते हैं कि भाई वहाँ प्लांट लाइफ एनिमल लाइफ को प्रोटेक्शन दी जाती है पर बायोस्पेयर रिजर्व में प्लांट लाइफ एनिमल लाइफ के साथ साथ वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटी को भी प्रोटेक्ट किया जाता है हम लोग वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट करते हैं हमारी कंट्री में अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हर साल हमें पब्लिक अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए अबाउट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन Take care. So student I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, do write in comment section.